एम ऑलवेज मोर देन इक्वल टू जी एम। आपका सपोज ए एंड बी बिलोंग्स टू आर प्लस, ठीक है, व्हाट इज एम? ए प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी बाई टू जी एम। ए ए इंटू बी होल रेश टू वन बाई अंडर मतलब रूट ए बी। ओके, इसलिए मैंने आर प्लस रखा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो फिर इधर डिफाइंड नहीं हो पाएगा रियल नंबर में, इसलिए मैं सेफ हैंड के लिए आर प्लस रखा। दोनों नेगेटिव होगा भी एक केस में चलेगा, ठीक है, बट ये थोड़ा चेंजेस रहेगा। तो व्हाट आई सेड एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये कैसे मिल रहा है? आज ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर प्लस, तो रूट ए डिफाइंड, यू कैन फाइंड आउट अंडर रूट ए, रूट बी भी डिफाइंड होगा, तो ये दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर ऑलवेज मोर देन इक्वल टू जीरो होगा, है ना? स्क्वायर वैल्यू ऑलवेज मोर देन इक्वल जीरो होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो इसमें मिलेगा आपको ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल जीरो, दैट इंप्लाइज ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ए बी। अब टू डिवाइड कर दो, विल गेट दिस थिंग, तो ये आपका एम हो गया मोर देन इक्वल टू जी एम। तो ए एम इक्वल जी एम कब होता है? कोई भी एक वैल्यू जीरो ना, कोई भी एक नहीं ना, जीरो एक वैल्यू जीरो होगा तो डायरेक्ट अंडर रूट वाला जी एम तो जीरो ही हो जाएगा ना। एम इक्वल टू कब जी एम होगा? जब ए जो इनइक्वालिटी दिया गया ये इक्वल चेंज हो गया ना, अभी ए इनइक्वालिटी ये इक्वल हो गया, अब ये इक्वल हो जाएगा, अब ये इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? When you get this one equal to zero, तो आपको क्या मिलता है? इनसाइड वैल्यू जीरो हो जाएगा ना? Yes, sir. तो रूट ए इक्वल टू रूट बी इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। यस सर। तो एम इज इक्वल टू जी एम ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी। तो आपका इक्वालिटी इनइक्वालिटी वाला इक्वल में सेटिस्फाई करेगा जब टर्म्स आर इक्वल होगा। तो आप रिवर्स इसका कर सकते हो, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी और ए बी आर डिस्टिंक्ट, ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, देन आपका ए एम स्ट्रिक्टली मोर देन जी एम होता है। योर अरिथमेटिक मीन स्ट्रिक्टली मोर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, समझा? अब बताइए इफ ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस होता तो क्या होगा? सर दोनों, हाँ सर, ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस सर, तो फिर वो सर साइन चेंज हो जाता ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग कर लेते हैं माइनस भी होता ना सर, ए प्लस बी बाई टू इज स्मॉलर देन अंडर रूट ऑफ ए बी सर, जी एम इज ग्रेटर देन ए। उसमें आप इनइक्वालिटी कैसे ये रहेगा आपका? व्हेन व्हाट यू आर सेइंग दैट इज राइट, बट आप इनइक्वालिटी डाल रहे हो किसके अंदर? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू के अंदर। ओके, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि आपका एम क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। जी एम क्या होगा? पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होगा, तो इसमें मैं क्यों कंपेयर करूंगा? ये तो ऑलवेज एम लेस देन जीएम होगा। हाँ सर, नहीं, ये कंपैरिजन जब होता है तो आपका ये इसके साथ होता है, दोनों का स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए।
वो तो होगा ही होगा, एम स्ट्रिक्टली लेस देन जीएम हो जाएगा एक केस में, ऐसा नहीं, बट दोनों को नेगेटिव करो, नहीं तो दोनों को पॉजिटिव करो, देन कंपेयर करो। अच्छा नेगेटिव करके कंपेयर करो तो दोनों का लेस देन जीरो या दो नहीं, इफ एफ बी यहाँ पे जैसे दोनों पॉजिटिव वैल्यू, सो कंपैरिजन आ रहा है, एम ऑलवेज ग्रेटर देन जीएम, ओके ये कैसा आएगा, बट व्हेन एफ बी बिलोंग्स टू आर माइनस देन आपका एम लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ जीएम, क्योंकि एम नेगेटिव हो गया, माइनस जीएम भी नेगेटिव होगा, बट एक केस में एम लेस देन इक्वल टू माइनस जीएम होता है। अब चाहो तो प्रूव कर सकते हो, एफ बी बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट ए इक्वल टू माइनस बी एंड बी इक्वल टू माइनस क्यू, तो पी क्यू किस में रहेगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, ए को मैंने माइनस पी मान लिया, बी को माइनस क्यू मान लिया, तो पी क्यू क्या होगा, ए बी नहीं नहीं पी इंटू क्यू नहीं, पी एंड क्यू क्या होगा, किस में रहेगा, कौन सा आर नेगेटिव, हाँ ग्रेटर देन जीरो, इट इज आर प्लस में रहेगा, क्योंकि ए नेगेटिव था ना, ए नेगेटिव वैल्यू था, तो ए को मैंने माइनस पी माना, तो पी का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए ना, लाइक दैट क्यू का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, तो पी क्यू बिलोंग्स टू आर प्लस, अब पी क्यू आज पी क्यू बिलोंग्स टू आर प्लस, इसमें तो मुझे पता चला है एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ये तो मैं प्रूव कर चुका हूं, दैट इंप्लाइज एम क्या होगा, पी प्लस क्यू बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट पी क्यू, अब रिप्लेस कर दो, पी के जगह माइनस ए डाल दो एंड क्यू के जगह माइनस बी डाल दो, बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए इंटू माइनस बी, इसका रूट होगा, राइट, That implies minus of a plus b by 2, ये आपका root a b होगा। हाँ सर। That means ये minus 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 से multiply कर लेंगे दोनों। Greater than equal to g है, तो देखो ये negative रहा, ये भी negative, sorry ये positive रहा, ये आपका भी positive रहा। Comparison ये दोनों के बीच में हो रहा है। और you can write minus multiply करोगे तो क्या हो जाएगा? Inequality change होगा। ठीक है, तो फाइनली आपको ये मिलता है, दिस इज द मेन थिंग हियर, नॉट नेसेसरी आपका जो मैंने ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन कोई भी रियल नंबर होगा, ये जरूरी नहीं कि कोई सीक्वेंस में रहेगा, Neither AP nor GP, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, ओके okay, कोई भी रैंडमली आप n एलिमेंट्स रखो, उसका m होता है their sum by n, their gm होता है their product to the power 1 by n, and m always more than equal to gm, यहाँ पे आप एक नोट बना सकते हो, if a1, a2, a3 up to an, at least one of them is distinct. Then, आपका क्या होगा? AM is equal to GM. No, AM strictly more than GM. अच्छा distinct, sorry sir. Distinct. हाँ sir, sorry sir. Okay. और एक note करना है, if AM equal to GM, then आपका each and every terms equal हो जाएगा. A1 is equal to A2 equal to A3 and so on up to AN. समझाइए। हाँ सर।
ये नोट कर लो। सर वो नेगेटिव वाला पार्ट बता रहा सर, आर नेगेटिव वाला स्क्रॉल डाउन कर तो दिखाना लिखना है। चलो ऊपर करो ना। डन? हाँ यस सर, डन सर।
फाइंड आउट।
डन। सर फर्स्ट वन इज नाइन्थ टर्म। ओके सेकंड सेकंड वाला सेकंड कितना 665/1। आवाज नहीं आ रहा है। फर्स्ट का एट आ रहा है। फर्स्ट का एट टर्म। फर्स्ट का नाइन। सेवेन। एट आ रहा है। ओके सेकंड सेकंड बताओ। सिक्स 6, 5, 1, 4, 4 सर वो -5, 1, 2 नहीं होगा क्या? वो -5, 1, 2 / 7, 29 सर सेकंड का 665/144 तो फर्स्ट का 9 आ रहा है। सॉरी बाकी सब बताओ। थर्ड का 4 आ रहा है। नियरली 4। थर्ड का 6 है। थर्ड का 6 है। हाँ सर 6 आ रहा है थर्ड का। सर फिफ्थ का 7:7 सेकंड का फिफ्थ का 7:7 है सर। सर सेकंड का 2059/2288 सो फोर्थ का 25/11 ये क्या मिला? ट्रिप डबल वन और कुछ डिस्कस करें? फर्स्ट टर्म, नाइन्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म। सर
सर एट नहीं आएगा सर, एट हटा दो, मैंने बोला था। Yes. Which term of the sequence is the 5.2 upon 729? First of all, ये sequence कौन सा sequence है? GPR. GPR है. तो what is your A? 18. 18. What is your R? -2/3 आया सर. -2/3. है ना? हाँ सर, माइनस। And what is your TN? Let us take last term, then nth term. 512 upon 729. Okay. What is your TN formula? A into R minus upon R bar. Which is 18. That means 512. 512 upon 729 is the 18 into -2/3 to the power and -1. ठीक है, तो 5.22 का कितना होता है? 256 होता है और नीचे 9 हो जाएगा। 2^9। हाँ सर। 2 तो पावर 9 नहीं होता सर, 8 होता है ना? 9 होता है। अपॉन 729 3 का पावर कितना होता है? 6. 3/6 अगेन 18 यू कैन राइट 2 इनटू b स्क्वायर इक्वल टू -2/3 टू द पावर n -1 सर 8 होता है सर 8 होता है क्या 5.12 सर पर 18 को नीचे लेके जाएंगे तो सर कट हो जाएगा हाँ आपने 2 नीचे लिया है ना वो भी तो होगा that implies 2/3 to the power 8 equal to -2/3 to the power n minus 1 अच्छा 2/3 का पावर 8 जितना होता है -2/3 का 8 पावर 8 उतना ही होता है हाँ सर अब दोनों का बेस सेम हो गया implies what और इक्वल होगा माइनस वन इक्वल टू एट तो देन इक्वल टू नाइन तो नाइन्थ टर्म इज द आंसर T9 इज द राइट आंसर सर सेकंड का आंसर मुझे 2059 अपॉन 288 आया यस सर मेरे को भी वही आया यस दिस इज द राइट आंसर यस सर Find sum of series. Upper series they get 2/9, 1/3, 1/2, and so on up to 81/32. Plus 1/2 and so on 81 upon 32. तो इसका पूछ रहा है कि इसका सम कितना होगा तो ये कौन सा सीरीज जा रहा है जीपी जा रहा है हाँ सर जीपी है ये दोनों का डिफरेंस सॉरी रेशियो चेक करो 3/3 upon 2/9 3/2 इसमें 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 आ रहा है 2/ ठीक है ना 2/ जीपी आ रहा है व्हाट इज द ए 2/9 व्हाट इज द आर 3/2 कॉमन रेशियो ए ना हां सर 3/2 हां सर 3/2 आएगा 3/2 इज द कॉमन रेशियो एंड दिस इज एन let us say TN equal to 81/32, which is A into R to the power N minus 1. Yes. Okay. Again, इसको plus multiply कर दो. तो ये हो जाएगा 3 का power 4 into 3, 3/6 upon ये भी 2/6.
इक्वल टू 3 बाय 2 टू द पावर n माइनस 1, तो n कितना हुआ? 7 आ गया. 7 सर, 7. तो मुझे अभी s7 निकालना है. s7 का फॉर्मूला a into 1 minus r raise to n upon 1 minus r, or you can write a into r raise to n minus 1 upon r raise to n. कोई भी लिख सकते हो. a a के जगह 2 by 9, 1 minus r 3 by 2 to the power 7 upon 1 minus 3 by 2. Which is 2 by 9. ये आपका हो जाएगा 2 by 7, मतलब 2 raised to 7 minus 3 raised to 7 upon 2 raised to 7, ये minus 3 by 2. मतलब 2 to cancel होगा minus 3 into 2 to the power 6. बराबर? Yes, sir. ठीक है. तो which is आप माइनस कैंसिल करके 3 रेस टू 7 माइनस 2 रेस टू 7 कैन ये कर सकते हो. ये आ जाएगा एक 2 कैंसिल होगा तो 1 बाय 27 इनटू 32, और ये आपका 3 रेस टू 7 माइनस 2 रेस टू 7. 3 रेस टू 7 कितना होता है? 2187. टू वन एट सेवन. हाँ, टू डेस्ट टू सेवन 128. कितना हुआ? 2059. माइनस? नहीं, ये माइनस भी कैंसिल कर दिया ना सर. सर वो नीचे माइनस वन आना चाहिए ना. अच्छा, माइनस वन बाय टू, सॉरी. तो ये वन होगा, तो ये नाइन होगा. तो विच इज 2059 अपॉन 288. ये 27 नहीं. बराबर? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना. नहीं सर, वो क्वेश्चन लिखना है, लास्ट वाला. क्वेश्चन अभी तक लिखे नहीं? लास्ट वाला सर. क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहे हो? पहले क्वेश्चन लिखो, इसके बाद आंसर करो. ओके सर. थर्ड वन, फाइंड सम ऑफ टू इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स. सिक्स. सबको सिक्स मिला. सेकंड का लास्ट स्टेप दिखाओ. वो फोर कैंसिल कर. हां, फोर सेकंड क्वेश्चन का आंसर. ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस 1 बाय 2. है ना क्वेश्चन? नहीं सर, स्टार्टिंग में स्क्वायर है, टू स्क्वायर है नीचे. अच्छा,
तो ये टू स्क्वायर, ये पावर फोर होगा, ये पावर सिक्स होगा। हाँ सर। सो कॉमन रेशियो 9/20। कॉमन रेशियो 9/20। अच्छा मतलब दोनों को ऐड कर दिया क्या ऐसा? हाँ सर। 1/2 डायरेक्टली नहीं लिख सकते। इसको ऐसे मत कर। 1/2 स्क्वायर। कितना आंसर मिला फोर्थ का? 25/11। हाँ सर। ऐसा दोनों ये मत करो, उसको दो सीरीज बना दो, सबका फर्स्ट टर्म का एक सीरीज बनाओ, दैट इज 1/2 देन 1/2 स्क्वायर, ऐसे सबका सेकंड टर्म को और एक सीरीज बनाओ, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2^4 प्लस 1/2^6। तो ये जीपी में आ गया, फर्स्ट ब्रैकेट इज द सम ऑफ जीपी अप टू इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, तो आंसर होगा ए अपॉन 1 - r, सेकंड भी ऐसे ही ए अपॉन 1 - r, r कितना which is ये 2 हो गया, ये 2 स्क्वायर मतलब 4 3/3 है ना, तो आंसर हो गया 7/3। ये कहां से आ रहा है? सबका फर्स्ट टर्म को लेके एक सीरीज बनाया, सबको सेकंड टर्म को लेके एक सीरीज बनाया, ईच ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, ईच ब्रैकेट का सेकंड टर्म। हाँ सर। 1/2 स्क्वायर इसको लेके एक सीरीज बनाया, 1/2 स्क्वायर 1/2^4 1/2^6 इसको लेके एक बनाया। आपको ये कंबाइंड में जीपी आया क्या? ये कितना आ रहा है? 5/4 आ रहा है। 5/4 सेकंड क्या आ रहा है? 18/32 मतलब 16 होगा, तो 8 + 9/16 थर्ड वन कितना होगा? तो दो बहुत है ना सर, तो दो से तो निकल जाएगा ना, ए और आर तो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? तो हो जाएगा ना दो टर्म से तो। ए, आपको ये थर्ड टर्म पता होना चाहिए ना, बिना कैसे पता जीपी है? तो आपको कैसे पता चल जाएगा जीपी? जबरदस्त है क्या ये? 64/16 + 17/64 ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 85/64 × 4 = 256 नहीं सर। नहीं तो फिर ये जीपी कैसे बनेगा? आपका सीरीज तो जीपी में होना चाहिए ना। आप दो टर्म ले लिए, इसको ए मान लिए, इसका न, न, रेशियो को आर मान लिए, आपको पता नहीं कि थर्ड टर्म जीपी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझाइए कि नहीं? हाँ सर समझा। Find product of first 7 terms of a GP if its fourth term is the 7. आपका fourth term 7, fifth term क्या होगा? If fourth term is the 7 of a GP, तो next term क्या होगा? Seven into R.
सिक्स टर्म क्या होगा? सेवन आर स्क्वायर. सेवेंथ टर्म क्या होगा? सेवन आर क्यूब. सेवन आर क्यूब. थर्ड टर्म क्या होगा? सेवन बाय आर. सेवन बाय आर. सेवन बाय आर स्क्वायर. सेवन बाय आर. क्वेश्चन इधर देयर प्रोडक्ट. हाँ सर सब कट आउट हो गया. तो आर स्क्वायर आर आर क्यूब आंसर. तो सदा सर रजिस्टर सर. समझाइए. अदरवाइज आपको ऐसा नहीं है, आपको सपोज फिफ्थ टर्म दिया जाएगा आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट हो जाएगा. सिर्फ मिडिल टर्म दिया जाएगा तो फिर आप निकाल पाओगे. सर अगर सिंगल फिफ्थ टर्म दे दे सर कैसे, तो फिर वो सफिशिएंट ही नहीं होगा. नहीं नहीं निकाल पाओगे ना, आपके पास दो अननोन हो जाता है और एक इक्वेशन होता है, सॉल्व नहीं होता. आपके फिफ्थ टर्म मतलब क्या दिया गया आपको, ए एंड आर आपके लिए अननोन हो गया. फिफ्थ मतलब ए आर रेस टू फोर इज इक्वल टू आपको कुछ दिया गया, तो आपके पास दो अननोन आया ना, ए एंड आर. तो एक इक्वेशन में सॉल्व नहीं होता है. सर वो टीएम है ना? हाँ टीएम पूछा है. सर वर्स्ट का आंसर अंडर रूट पी क्यू है.
फाइंड आउट A1 क्या बोल रहे हो? What you written after A1 and A2 in second question? Be inserted in between two given positive number. सर फर्स्ट का रूट पी क्यू सर सेकंड का जी स्क्वायर सर थर्ड का 4/7
फोर्थ वाले का 10 8 और 32 by 5 कौन सा फोर्थ बताओ 10 8 और 32 by 5 आवाज नहीं ठीक से नहीं आ रहा 7 सर फिफ्थ वाले में खाली 4 ही मिले आप जितना चाहो इतना कर सकते हो सर वो हम लोग को तो डायरेक्ट एट द एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ना नहीं वो भी नंबर भी दिख रहा है सर एक ही नंबर में
डन सर, फिफ्थ वाले में आर का वैल्यू 2/3 raised to 5/6 रहेगा क्या? हो सकता है। क्या हुआ सर? इसका प्रोडक्ट मिल रहा है सर, इसका प्रोडक्ट आएगा सर 232 आ रहा है सर इसका प्रोडक्ट। सर मैं तो खाली हमको 5 जीएम्स का फाइंड आउट करने के पूरे सीक्वेंस का फाइंड आउट करना है सर। सर फिफ्थ वाले में पूरे खाली जो 5 जीएम थे उनका हम लोग ने इंसर्ट किया उसका ही फाइंड आउट करना है या तो सर पूरा सीक्वेंस का? वो आपको इन जनरल सिर्फ आर निकालना है। आर ठीक है, फर्स्ट वन रूट पे क्यू सबको मिला, सेकंड जी स्क्वायर मिला नहीं सर, थर्ड वन 4/7 मिला सर नहीं मिला सर, सेकंड मिला। ठीक है ठीक है, थर्ड 4/7 मिला हाँ सर नहीं सर। ठीक है, फोर्थ वन ये मिला नहीं सर, फिफ्थ सर फिफ्थ का आर आया 2/3 raised to 5/6 2/3 raised to 5/6 ओके, एंड प्रोडक्ट सर वो निकाला नहीं अभी तक, 232 आ रहा है सर प्रोडक्ट। ओके इफ in let us take two positive numbers a and b and g the geometric mean, iska matlab kya milega aapko ye sequence kya ho jayega? a b = a g b r in g p ho jayega and g square ho jayega a b and in between same a and b there are two arithmetic mean a1 and a2, iska matlab kya hoga? These four will be in ap, ye charo ap mein aa jayega, theek hai?
एंड अभी आपको चाहिए 2a1 माइनस a2 इंटू 2a2 माइनस a1 ये चाहिए, ठीक है। तो लेट अस टेक कॉमन डिफरेंस इज द डी। तो आपको a1 क्या लिख सकते हो, a प्लस डी। a2 को क्या लिख सकते हो, a प्लस टू डी। एंड बी को क्या लिख सकते हो, a प्लस थ्री डी। देन व्हाट इज द 2a1 माइनस a2। और आप इसको भी लिख सकते हो b माइनस d लिख सकते हो, और ये लिख सकते हो b माइनस 2d भी लिख सकते हो। तो यूज दिस थिंग 2a2। व्हाट इज 2a2? 2a2 होगा एक, इफ आई गो फॉर दिस वन देन 2b माइनस 2d माइनस ऑफ प्लस b माइनस 2d कितना मिला, b। यस और नो? 2a1 के जगह मैंने a प्लस d लिखा, माइनस a2 a प्लस 2d लिखा। 2a2 मैंने रखा b माइनस d, 2 टाइम्स ऑफ b माइनस d माइनस a1 यू कैन राइट b माइनस 2d। तो ये dd कैंसिल होगा 2a माइनस a, इसमें dd भी कैंसिल हो गया 2b माइनस b, b। इट्स व्हाट? जी स्क्वायर। TP, TQ, TR of a GP themselves in GP. TP, TQ, TR of a GP. RNGP. RNGP. इसका मतलब क्या होगा? As this RNGP, then you can write TQ square equal to TP into TR. हाँ सर, तो हो जाएगा। What is your TP, TQ formula? A into R raised to 2. Q minus 1 square equal to TP formula. Yeah. TR formula. अच्छा वो थोड़ा ये R को अलग ले लो क्योंकि इसके साथ मैच कर जाता है। बराबर, सॉरी। मैंने जीपी सीक्वेंस रखा ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे मैंने सीक्वेंस रखा। तो इसका क्यूएथ टर्म ए आर एस टू एन माइनस वन मतलब क्यू माइनस वन इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर पी माइनस वन टीपी टर्म and TR term A R to the power R minus 1. So A square cancel हुआ और ये हो जाएगा R to the power 2 Q minus 2 is equal to R to the power P minus 1 into R to the power R minus 1. तो P plus R minus 2 दोनों का बेस सेम है तो 2Q is equal to P plus R। तो आपका क्वेश्चन पूछा था P plus R by Q तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपका क्वेश्चन था P plus 2 by तो इसके जगह आप 2 डाल सकते हो तो 4 by 7।
फोर्थ टर्न मिला नहीं सर फर्स्ट टर्न ऑफ ए जीपी एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 2 एंड द सम ऑफ इट्स इनफिनिट टर्म्स इज द 50 क्या दिक्कत है ये लेट अस टेक जीपी सीरीज द ए ए आर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन आपका फर्स्ट टर्म प्लस क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू ए आर प्लस 2 एंड एस इनफिनिट इज द 50 Implies what? S infinity क्या मिलेगा? A upon R minus R equal to 50. हाँ बोलो. Sir हमको question में P plus R upon P plus R upon 7 की find out करना है ना? हाँ तो वही find. तो हो चुका है. Okay sir, sorry sir, mistake किया. ठीक है तो इसमें आपको मिल जाएगा दैट इंप्लाइज ए इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर ये दो इक्वेशन दिया गया आपको क्या निकालना है ए एंड आर निकालना है डाल दो आर को एलिमिनेट कर दो तो ए इज इक्वल टू ए आर आर की जगह कितना लिखोगे कि एक जगह लिख दोगे ठीक है एक जगह लिख दो एक जगह लिख दो 50 इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू 50 इंटू 1 माइनस आर इंटू आर प्लस 2 है ना हाँ सर तो 50 आर स्क्वायर टेक टू राइट लेफ्ट साइड तो 50 आर स्क्वायर देन ये प्लस 50 आर माइनस 50 आर तो माइनस 100 आर देन प्लस 50 माइनस 248 इक्वल टू 0 बराबर किया ना हाँ सर तो 25 आर स्क्वायर माइनस 50 आर प्लस 24 इक्वल टू 0 मल्टीप्लिकेशन 25 इनटू 24 And sum is the 50. कैसे होगा? Sir, 30 or 20? 30 or 20? Thirty and 20. तो 25 आर स्क्वायर माइनस 30 आर माइनस 20 आर प्लस 24 इक्वल टू 0 5 कॉमन ले गए 5 आर माइनस 4 इनटू 5 आर माइनस 6 इक्वल टू 0 देन आर इक्वल टू 4/5 होगा नहीं तो 6/5 होगा बट आज क्वेश्चन गिवन सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स तो 6/5 वैल्यू मोर देन 1 तो ये पॉसिबल नहीं होगा ये लेस देन 1 ये पॉसिबल होगा तो आर का वैल्यू आपको 4/5 मिला ठीक है तो आपका सीरीज अभी निकाल दो ए कितना हो जाएगा अभी 50 into 1 by 5 that is 10 तो a 10 हो गया r 4 by 5 हो गया तो 8 then 32 by 5 तो सर आपने r दोनों में पुट किया हाँ r की दोनों में यूज कर दोनों क्यों यूज करोगे अच्छा जो ग्रेटर देन लिखा ना मैंने 6/5 रखेंगे तो मोर देन 1 हो रहा है तो वो टाइम पर आपको एस इनफिनिटी नहीं मिलेगा तो इसलिए वो इनवैलिड है मतलब ये केस आप ले नहीं पाओगे तो 4/5 के साथ आपको जाना पड़ेगा अच्छा
फिफ्थ वन क्या था? In between 6 and 64 by 81. There are you inserted 5 pins. So let us take G1, G2, G3, G4, G5. इसका मतलब क्या होगा? इस सीक्वेंस क्या हो जाएगा? एक जीपी बन जाएगा. एंड ये कौन सा टर्म होगा? सेवन. तो T7 एंड दिस इज A इक्वल टू 6 एंड T7 इक्वल टू 64 अपॉन 81 व्हिच इज AR रेज टू 6 इनटू R टू द पावर 6 होगा. ठीक है, That implies R to the power 6. यहाँ पे आप 2 cancel करोगे, आपका 32 upon 81 into 3. That is 3 by 2 raised to 5. No. Sir, 2 by 3. Ulta. 2 by 3. आपका R क्या हो जाएगा? 2 by 3 to the power 5 by 6. आप जो जितना टर्म आप निकालना है इसी हिसाब से आप लिखते जाओगे. ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब ये फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म होगा 6 into 2 by 3 to the power 5 by 6. Then आपका आ जाएगा 6 into 2 by 5 to the power 2 by 3 to the power 10 by 6. और चाहे तो 5 by 3 लिख सकते हो, जो भी करो. एंड क्वेश्चन था कि आल्सो सेकंड क्वेश्चन था कि ये 500 का प्रोडक्ट फार्मूला क्या था? 6 into 64 G1, G2, G3, G4, G5. कितना होगा? 6 into 64 upon 81 to the इसका स्क्वायर रूट to the पावर. ये ज्योमेट्रिक में उसका पावर 5. हां सर, बस उधर वो 8/9 रेश अंडर रूट ऑफ 6 पर जो भी मतलब जो आंसर मिलेगा मिलेगा मतलब ये सर वो 47 आ गया. तो मैंने पहले गलत बोल दिया सर, पहले मैंने सब इंक्लूड करके बोला था, तो इसका आंसर अलग है. ये कितना आ जाएगा? 8 ये कैंसिल हो जाएगा 3 27. और एक रूट टू बचेगा ना. टू सर 49 है. कौन सा इसका बन? हाँ सर ऐसे ही. ये 49 हो रहा है? नहीं सर, पूरे का स्क्वायर बोल रहा हूँ. नहीं ऐसा कुछ नहीं आ रहा है ना. 64 into 6 यहाँ पे मैंने 3 कैंसिल कर दिया. 27 2 64 का रूट और 8 2 का रूट और रूट 2 27 का रूट और 3 रूट 3 होल टू द पावर 5 इतना मिलेगा. तो सर हम लोग वैसे भी कर सकते हैं ना, 8/9 इनटू अंडर रूट ऑफ 6 डायरेक्ट. अच्छा 8/9. हाँ ठीक. अच्छा अंडर रूट ऑफ 6 तो सर इजी ही 6 और ये कितना मिला? 16. यहाँ पे मेरा क्या मिस्टेक हुआ? सर वो अंडर रूट 6. अंडर रूट 6 सर. अच्छा अच्छा तो सर वो जाएगा 6 इसका स्क्वायर रूट कर बोल रहे हो? ओके हाँ, वो डायरेक्ट स्क्वायर है सर, वो डायरेक्ट आ जाएगा सर. अंडर 6 स्क्वायर रूट. हाँ तो सर 8 raise to 5 और 9 raise to 5 into 100 raise to 6. ठीक है, तो आप इसके अंदर कितने भी ज्योमेट्रिक में डाल सकते हो. किसने बोला था 4 ऐसा कुछ नहीं है? नहीं सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था.
क्या सॉम क्या हुआ टेंथ वी ट्रॉड मल्टीप्लाई टू नंबर्स अंडर रूट टू गेट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम एंड टेंथ वी ट्रॉड द टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स अंडर रूट टू गेट द ज्योमेट्रिक मीन हाँ क्या हुआ आपको टेंथ में बताया गया था कि मल्टीप्लीकेशन टू नंबर का मल्टीप्लीकेशन उसका रूट ओवर ज्योमेट्रिक मीन हाँ वही तो मिल रहा है क्या प्रॉब्लम है सोम क्या हुआ बेटा सर कुछ नहीं मुझे लगा पहले कुछ अलग कर रहा हूँ कुछ नहीं सर हो गया समझ गया आप देखो ना ये दोनों का आप करोगे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसका स्क्वायर आएगा ही आएगा हाँ सर वो समझ गया बात में Find out this. TP, TQ, TR of both an AP and a GP be ABC respectively. Those series are Pth term, Qth term and Rth term of both the series are ABC. And then find the value of A raised to B minus C, B raised into B raised to C minus A into C raised to A minus B. Second question, find three numbers ABC between 2 and 18 so that their sum is the 25. 2, comma A, comma B are in AP. Last three terms are in GP.
सर सेकंड का 5, 8, 12 एबीसी फर्स्ट वाले का 1
डन चलो सर फर्स्ट वाला नहीं मिल रहा ये 5812 कैसे मिला सर कंसीडर के एक सीरीज सर सर उसके दो इक्वेशन मिल जाएंगे फिर वो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 25 में डाल देंगे ठीक है दो सीरीज ले लो एक एपी सीरीज एक जीपी सीरीज लेट अस टेक एपी सीरीज द एक्स एक्स प्लस वाई एक्स प्लस टू वाई एंड सो ऑन और जीपी सीरीज रखो एक क्या रखोगे जेड पी क्यू आर ए बी सी ए यूज कर नहीं पाएंगे क्योंकि फिर कोइंसाइड कर जाएगा मतलब ये और कुछ एम एन एम एन ठीक है एम एन एम एन देन एम एन स्क्वायर ठीक है व्हाट इज योर टीपी ऑफ एपी एक्स प्लस पी माइनस वन इनटू वाई इट इज गिवन ए दैट आल्सो पीथ टर्म ऑफ जीपी एम इनटू एन रेस टू पी माइनस वन बराबर लाइक दैट x plus q minus 1 into y it is given b which is the m into n raised to q minus 1 x plus r minus 1 into y it is given c that also m into n raised to r minus 1 mujhe chahiye a raised to b minus c okay just point out what is b minus c of left side ए साइड से ए माइनस बी निकालो व्हाट इज ए माइनस बी एक्स एक्स कैंसिल होगा देन यू विल गेट पी माइनस क्यू इनटू वाई आम राइट लाइक दैट बी माइनस सी विल गेट क्यू माइनस आर इनटू वाई एंड सी माइनस ए विल गेट आर माइनस पी इनटू वाई और मुझे चाहिए a टू दी पावर b माइनस सी a टू दी पावर b माइनस सी इनटू b टू दी पावर c माइनस a इनटू c टू दी पावर a माइनस b ये चाहिए अब a की जगह इसको रिप्लेस करो राइट a आज m टू दी m इनटू n टू दी पावर p माइनस 1 होल टू दी पावर b माइनस c पर b माइनस c यूज करो दिस वन q minus r into y like b ke jagah rakho m into n raised to q minus 1 to the power c minus a that you can write r minus p into y into c c matlab m into n raised to r minus 1 to the power a minus b that is p minus q into y which is आपका m का पावर कितना हो जाएगा ये तीनों का सम होगा मतलब y if you take common then you'll get q minus r plus r minus p plus p minus q like n का पावर कितना होगा y common जाएगा then p minus 1 into q minus r like that ऐसे और दो टर्म मैं समेशन में लिख देता हूँ तो m का पावर कितना हो रहा है q cancelled p cancelled r cancelled मतलब m पावर जीरो like that n का पावर भी जीरो आ जाएगा तो आंसर इधर वन है ओके सर
डन यस सर डन समझाना ये सर वो अपने कॉमन लिया वाई हम्म और उसे सब कॉमन कैसे ले रहे क्या सर सब चीज में कॉमन एम अपने एम कॉमन लिया ना खाली सर एम का पावर तीनों आड हो जाएगा ना ये का एम का पावर ये होगा ये एम का पावर इधर होगा ये एम का पावर तीनों मल्टीप्लाई होगा तो पावर तो आड होगा एम का पावर आ वाई इनटू क्यू माइनस आर इनटू एम पावर वाई इनटू आर माइनस पी इनटू एम रेस्ट टू वाई इनटू पी माइनस क्यू वो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम पावर क्या होगा वाई कॉमन जाएगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू लाइक दैट एन का ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका वैल्यू जीरो सेकेंड सेकेंड को सर वो समेशन ऑफ पी माइनस वन इनटू क्यू माइनस आर है ना इनटू वाई ये था तो ये भी जीरो दे देगा ना अब वाई तो बाहर चला गया समेशन को ये करेंगे तो समेशन ऑफ पी इनटू क्यू माइनस आर और एक रहेगा माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर ये भी जीरो होता है ये भी जीरो होता है बराबर यस सर इन बिट पॉइंट थ्री नंबर्स एबीसी इन बिटवीन 2 एंड 18 देयर सम इज द 25 In between 2 and 18, three numbers A, B, C are there, and their sum 25. And first three are in AP, last three are in GP. ये दिया गया. Okay. तो कोई एक टर्म में सबको कन्वर्ट करो. X. A को क्या सर C में कन्वर्ट कर सकता है सर B में हो जाएगा सर सर C में भी हो सकता है हाँ कोई एक में चलेगा मतलब A को क्या लिख सकते हैं हाँ सर B plus 2 by 2 A plus B plus minus B B plus 2 by 2 ठीक है ना सर B plus 2 by 2 yes हाँ C को क्या लिख सकते हैं b into b. under root of b बराबर तो सबको मैंने b में कन्वर्ट कर दिया तो एक जगह लिखेंगे b by 2 plus 1 b plus 2 by 2 मतलब b by 2 plus 1 plus b plus b plus आप root plus 18 b लिख सकते हो equal to 25 ठीक है हाँ सर सर 25 24 हो जाएगा सर तो ये कैंसिल होके 24 हो गया देन रूट 18 बी को अलग रखो ये हो जाएगा 24 माइनस 3 बाय 2 बी हाँ 3 बी बाय 2 ठीक है ना अच्छा रूट 18 आल्सो यू कैन राइट 3 रूट 2 बी 3 रूट 2 बी हाँ सर एक काम कर दे सर मल्टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ठीक है तो सर रूट टू बी विल बी इक्वल टू 8 माइनस बी बाय 2 हो जाएगा ना सर रूट टू बी डायरेक्ट थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा हाँ सर आप स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा टू बी इक्वल टू ये रहा कितना 8 64 ये इधर रहा आपका b by 2 तो कितना रहा b square by 4 minus b square by 8 into 2 cancel हो जाएगा तो 8 b हो जाएगा सर सर ये साइड लेके आ उस साइड लेके जाते तो b square by
फोर माइनस टेन बी प्लस 64 इक्वल टू जीरो बराबर स्क्वायर माइनस 40 बी प्लस 64 इंटू 4 इक्वल टू जीरो फैक्टराइज होगा होना चाहिए 32 एंड 8 ठीक है देन बी स्क्वायर माइनस 32 सॉरी बी माइनस 32 इंटू बी माइनस 8 इक्वल टू जीरो तो बी 32 होगा और b इक्वल टू 8 होगा बट 32 8 होगा सर 32 क्योंकि इन बिटवीन क्वेश्चन था इन बिटवीन 8 एंड 25 सम होना चाहिए ना सम इज 25 तो सर उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता हां b 32 नहीं हो पाएगा 8 होगा जब b 8 हो गया देन a कितना हो जाएगा 5 8 into 18 root over सर कॉमन ले लेते हैं तो सो जाएगा हाँ सर इजी हो जाएगा 144 2 raise to 2 बाहर निकल जाएगा तो 3 into 2 raise to 2 और 12 हाँ सर तो आपका एबीसी चाहिए था ना हाँ सर तो ए हो गया 5 बी 8 कॉमा 12 Done? Yes, sir. आपका होमवर्क इन चैप्टर एक्सरसाइज एक्सरसाइज टू बाय सर थैंक यू सर ठीक है यस चलो ये आपका होमवर्क इन चैप्टर एक्सरसाइज टू फ्रॉम बुकलेट ओके सर Bye. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ye stop karo. Bye, sir. Thank you. Bye. Bye. Thank you, sir. Sir, थोड़ा ऊपर scroll कर. ऊपर करो. हाँ, sir. ठीक है. सर ये वापस एक बार समझाओ ना सर ये वाला सम कौन सा ये फर्स्ट वाला ही सर फर्स्ट क्वेश्चन था कि दो एक एपी सीरीज एक जीपी सीरीज दोनों का पीएथ टर्म क्यूएथ टर्म आरएथ टर्म एबीसी तो एपी का मैंने पीएथ टर्म रखा क्यूएथ टर्म रखा आरएथ टर्म रखा ओएबीसी दैट आल्सो pth term of gp qth term of gp and rth term of gp okay sir theek hai maine ap series aise rakha tha x x plus y x plus 2 and so on kyunki already question mein abc and pq were involved tha isliye maine aise choose kiya and gp series ko m m into n m into n square aise rakha ha sir yahan se using AP, you will get A minus B, B minus C, C minus A. Question tha A into B raised to C plus B into C raised to A plus C raised to A minus B. But ये जो A के जगह मैंने GP का result use किया. Okay sir. And power में मैंने AP का result use किया. फिर check किया M का power जब multiply किया तीनों m का पावर 0 भी हो रहा है n का पावर भी 0 हो रहा है विल गेट टू योर वन ओके सर हां सर समझा सर ठीक है हां सर थैंक यू सर चलो बाय बाय सर